100. भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े मामले में देश के कई हिस्सों में छापेमारी, दिल्ली में पुलिस गौतम नवलखा हिरासत में। दिल्ली के बदरपुर में वकील सुधा भारद्वाज की कोर्ट में पेशी, पुलिस ट्रांजिट रिमांड को लेकर जाएगी पुणे। हैदराबाद में कवि, वामपंथी विचारक और एक्टिविस्ट वरवरा राव के घर पर छापेमारी, लिए गए हिरासत में। थाने में एक्टिविस्ट अरुण फेररिया के घर पर छापा, पुलिस ले रही है तलाशी। अपनी गिरफ्तारी पर अरुण फेररिया ने कहा कि मानवाधिकार का उल्लंघन। मिशन 2019 की तैयारी में जुटी बीजेपी, 15 मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में बैठक। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह बैठक में शामिल, मिशन 2019 पर मंथन। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात पर खासा जोर, 2014 की जीत में पांच राज्यों की अहम भूमिका। जिन राज्यों में चुनाव है वहां के सीएम के साथ अलग से बैठक, केंद्र की योजनाओं के प्रचार की योजना। दिल्ली में निकली अटल की अस्थि कलश यात्रा, यमुना में विसर्जन। विदेश दौरे से लौटते ही केरल दौरे पर राहुल गांधी, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राहत कैंप में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात, 2 दिन का है दौरा। चेगनूर के बाद अलप्पुझा आए राहुल, आने में देरी के लिए लोगों से मांगी माफी। राहुल गांधी ने रेस्क्यू मिशन में लगे मछुआरों का किया सम्मान, कहा इनकी बदौलत बची हजारों की जान। राहुल गांधी ने किया ऐलान, 5 लाख की लागत से 1001 घर बनाएगी केरल कांग्रेस। मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर लगाया नया आरोप, मॉस्को में वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए इजाजत नहीं दे रही सरकार। अहमदाबाद में हार्दिक के अनशन का 4th दिन, मिलने पहुंचे एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल। आजम खान को अमर सिंह का चैलेंज, रामपुर आ रहा हूं, मेरी कुर्बानी ले लेना। अमर सिंह का ऐलान, 2019 चुनाव में करूंगा बीजेपी का समर्थन। समाजवादी को नमाजवादी कहने पर अखिलेश का जवाब, मेरे एक मंदिर छूट गया है सीएम आवाज में। चेन्नई में स्टालिन की ताजपोशी, पार्टी अध्यक्ष पद पर हुए काबिज, चुनाव में सामने कोई उम्मीदवार नहीं था खड़ा। करुणानिधि की मौत के बाद सदमे से मरे लोगों को डीएम के 2-2 लाख रुपए देगी मुआवजा, डीएम के का दावा, 248 लोगों की हुई थी मौत। पंजाब विधानसभा में भारी हंगामा, नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम मजीठिया आमने सामने। एमएस धोनी को हिमाचल का राज्य अतिथि बनाने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, सरकार बस पैसे वाले खिलाड़ियों को ना दे सुविधा। 5 दिन की शूटिंग के लिए शिमला आए हैं धोनी, मॉल रोड पर चल रही है शूटिंग। यूपी के सहारनपुर से आई सैलाब की हैरत अंगेज तस्वीर, पहाड़ी से आए पानी में बह निकली कार। मंदिर के पास खड़ी कार पानी में बह निकली, 2 दिन पहले कार पिटी। मंदिर के पास की दुकानों के पास था से निकला था तेज रफ्तार पानी, फ्लैश फ्लड के बाद अब हालात सामान्य। ग्रेटर नोएडा दादरी टोल प्लाजा के पास हादसा, रोडवेज बस बेकाबू होकर गड्ढे में गिरी, हादसे में यात्री की मौत, 6 लोग घायल। दिल्ली के में कुछ घंटों की बारिश बनी जानलेवा, एक मकान गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत, हादसे में एक बच्चा और एक युवक घायल, रात को सोते वक्त गिरी दीवार। 1 घंटे की बारिश में पानी पानी दिल्ली, बारिश से बुरा हाल, पार्किंग में भी भरा पानी, गिरे पेड़। दिल्ली की गीता कॉलोनी में सड़कों पर पानी पानी, बादल छटे लेकिन मुसीबत बरकरार। भारी बारिश से दिल्ली एनसीआर में सड़कों पर लगा गाड़ियों का रेला, परेशान होते रहे लोग। गली गली में भरा पानी, नाले की सफाई नहीं होने से हालात बदतर। नरेला में अंडरपास में भरा पानी, कई गाड़ियां पानी में फंसी। दिल्ली में जल भराव से निकलने में की कोशिश में डूब गई बाइक, तैरने लगा रिक्शा।
दिल्ली के प्रहलादपुर अंडरपास भी बना दरिया, 4 से 5 फीट तक भरा पानी, लोग हुए बेहाल। मौसम विभाग ने दी थी झमाझम बारिश की चेतावनी, सरकार और एमसीडी के दावों की पोल खुली। दिल्ली के बीदापुर में घरों में घुसा बारिश का पानी, सुबह से बाद के बाद तेज बरसात। गुरुग्राम में भारी बारिश से सड़कें लबालब, ट्रैफिक के लिए मुसीबत। बीती रात को भी हुई भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। मूसलाधार बारिश के बाद जलमग्न साइबर सिटी, पॉश इलाकों से लेकर ओल्ड सिटी तक सब जगह पानी पानी। दर्जनों छोटी गाड़ियां पानी में फंसी, एक्सप्रेसवे पर भी कई जगह जाम। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ का प्रकोप, रामनगर में सड़क पर तेज बहाव में बहा बाइक सवार, लोगों ने बचाई जान। रामनगर में तेज बहाव में बही ऑल्टो कार, 3 लोगों की डूबने से हुई मौत, एक शख्स की बचाई गई जान। नैताल में बेताल घाट पर कोसी के बहाव में फंस गायों को बचाने में रिटायर्ड फौजी खुद फंस गए, एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। उत्तरकाशी में हनुमान चट्टी के पास तेज बहाव में बहा घोड़ा, पुलिस के जांबाज जवानों ने लहरों से निकाला। हरिद्वार में बारिश के चलते मनसा देवी पहाड़ी पर भूस्खलन, हर की पौड़ी के रास्ते पर बड़ा खतरा। लक्सर में गंगा का दिखा रौद्र रूप, उफान से टूटे तटबंध, नजदीकी इलाके में सैलाब की चपेट में। उधम सिंह नगर में बारिश के बाद निचले इलाकों में हुआ जल भराव, सड़कों पर घुटने से ऊपर तक बह रहा है पानी। नैनीताल के भीमताल में भूस्खलन से की मुसीबत से जूझ रहे हैं स्कूली बच्चे, गिरते पड़ते परिजनों संग पार कर रहे हैं पहाड़ी रास्ता। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सैलाब में फंसे 5 परिवार, रस्सी से क्या रेस्क्यू। पानी से चारों तरफ घिर गए घर, अब तक 17 लोग निकाले गए। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी उफान पर, ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर तक सैलाब का संकट। यूपी के बरेली में बाढ़ से आई आफत, रिहायशी इलाकों में जल भराव, लोगों ने ट्यूब को बनाया कश्ती, सफर के लिए उठा रहे जोखिम। लखीमपुर खीरी में भी सैलाब का कहर, बन बसा बैराज से छोड़ गए पानी से आई आफत, उफान पर चारदा नदी। बाढ़ से पुलिया का सबसे बुरा हाल, सड़कों पर घुटने तक जल भराव, यातायात में मुसीबत। बिजनौर में बाढ़ का पानी सड़कों पर, बस्ती के हर घर में पानी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सिंध नदी उफान पर, लेकिन तेज रफ्तार से निकल रही है गाड़ियां। मध्य प्रदेश के सतना में हुए हादसे का वीडियो आया सामने, दोस्तों ने जबरन उतारा नदी में। हादसे में 2 युवकों की हुई थी मौत, मोइन को नहीं आता था तैरना, बचाने गए नफीस की भी मौत। यूपी के महोबा में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 3 भाइयों की मौत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे बच्चे, ट्रेन के नीचे से करते हैं पटरी पार। बिहार के सहरसा में दिन दहाड़े मंचलों ने लड़की के साथ की छेड़खानी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। वायरल वीडियो में छेड़छाड़ करते देखे 7 मंचले, सुनसान जगह पर लड़की से बदतमीजी। छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले 2 मंचले गिरफ्तार, 5 आरोपियों की तलाश में पुलिस। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना, सुशासन बाबू की खुली पोल। लड़की से छेड़खानी मामले में डीआईजी ने संभाली कमान, 2 महीने पहले का बताया वीडियो। यूपी में योगी राज में बच्चों को नहीं मिली नई किताब, डेडलाइन करीब, बच्चों को किताबों का इंतजार। अगले महीने होनी है बच्चों की परीक्षाएं, पढ़ाई में मुश्किलें। लखनऊ के प्राइमरी स्कूलों में भी नहीं आई किताबें, सरकार पर लापरवाही का आरोप। बाराबंकी में बच्चे पुरानी किताबों से पढ़ने को मजबूर, क्लास 3 और 4 के बच्चों को मिली सिर्फ 2 किताबें। बागपत में नगर पालिका ने लगाया बोर्ड, लिखा खुले में करोगे शौच तो जल्दी जाएगी मौत। मेरठ में बाइक सवार गुंडों का बरपा कहर, 5 बाइक पर आए गुंडों ने एक रेस्टोरेंट में की तोड़फोड़। नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, मुजफ्फरनगर का कुख्यात बदमाश सोनू को लगी गोली।
ग्रेटर नोएडा में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर युवक की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने किया गाड़ियों में तोड़फोड़। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में सांप्रदायिक तनाव से बिगड़े हालात, लोगों ने घर के ऊपर लगाया मकान बेचने का बोर्ड। गुवाहाटी में होटल में के कमरे में युवक युवती का मिला शव, पुलिस को खुदकुशी का शक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।